हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप? तो दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा बिज़ी था लास्ट टाइम। काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझे सेंड करे। तो आज की वीडियो है ना, जो इसमें हम बात करने वाले मोस्टली जो फ्रेशर स्टूडेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सेंड करे हैं, तो कुछ आंसर्स वो पूछते रहते हैं कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, जो कि उनको अलग अलग हॉस्पिटल में फेस करने पड़ते हैं। तो मोस्टली जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस बनाई हैं, 60-70% ऑलमोस्ट मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई मिलते हैं कि जो आपने वीडियोस डाली है ऑलमोस्ट उसी में से क्वेश्चन आता है 60-70%। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मुझे स्टूडेंट ने सेंड करे हुए हैं कि इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो। तो एक एक बंदे को आंसर लिख के सेंड करने से अच्छा है मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ इसके ऊपर। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने आज इकट्ठे करे हैं और उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 40-15 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो जो कि मैंने एक लिस्ट बनाई है जो आपके साथ मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ। आई थिंक आप भी कल को जब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो ऑब्वियसली आपसे भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड करे, तो ऑब्वियसली अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो वो मुझे क्वेश्चन सेंड करते हैं। तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं वीडियो को चलते चलते ही लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जो आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है रीस्टेन के, रीस्टेन की टाइप्स क्या होती है या रीस्टेन क्या होता है। तो दोस्तों, रीस्टेन जो है हम मोस्टली आईसीयू में ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ही वायलेंस वाले पेशेंट होते हैं या बहुत ही एजिटेटेड पेशेंट होते हैं, जो कि अपनी आईवी लाइंस निकालते हैं, या कुछ वेंटिलेटर पे पेशेंट है जो कि अपनी ट्यूब निकालते हैं या अपनी सीवीएल लाइन निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि जिनको फिजिकल रीस्टेन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे वाले पेशेंट के लिए एक स्पेशल रीस्टेन फॉर्म होता है जो कि हम फिल करते हैं, जो कि डॉक्टर के द्वारा फिल किया जाता है और साथ में अटेंडेंट के कंसेंट लिए जाते हैं, और उसके बाद हम पेशेंट को रीस्टेन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टाइप्स आपको पूछते हैं कि रीस्टेन की टाइप्स क्या होती होती है। तो इसमें आपको इंटरव्यू के टाइम पे पूछ सकते हैं कि रीस्टेन की टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो रीस्टेन हम मोस्टली दो टाइप्स की देखते हैं, एक फिजिकल, दूसरी केमिकल। जो फिजिकल रीस्टेन है वो हम रिस्ट के ऊपर करते हैं या फिर एंकल्स के ऊपर करते हैं, और चेस्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। तो दूसरी जो केमिकल रीस्टेन है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम पेशेंट को मेडिसिन दे के रेट कर देते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन की क्लासेस है जो कि हम पेशेंट को देते हैं, तो जैसे बेंजोडाइजेपम हो गए, नारकोटिक्स हो गए। नारकोटिक में मोस्टली हम फेंटानिल पेशेंट को चलाते हैं, तो फेंटानिल जो इन्फ्यूज़न बना के हम देते हैं, तो उसके साथ भी जो पेशेंट है वो सीडेट हो जाता है, तो इसको भी हम केमिकल रीस्टेन में काउंट करते हैं। तो ये होता है फिजिकल और केमिकल रीस्टेन। तो दोस्तों, आई होप के रीस्टेन का आपको अच्छे से पता चल गया होगा, क्यों करते हैं वो भी पता चल गया, कौन फिल करता है फॉर्म वो भी पता चल गया होगा। तो कंसेंट जो है वो मैंडेटरी होते हैं, अगर कंसेंट पेशेंट के अटेंडेंट के नहीं है तो आप पेशेंट को रीस्टेन नहीं कर सकते हो। तो वो अलग चीज़ है कि हम आईसीयू में बिना कंसेंट के भी कर देते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना है। पेशेंट के जो अटेंडेंट है उनके कंसेंट बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी पेशेंट को रीस्टेट करने के लिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब भी आपके पास पेशेंट कोई आता है सीज़र को लेके, जिस पेशेंट को सीज़र हो रहे होते हैं, तो उनको हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं। तो काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको 3-4 मिलती है जिसमें आपको कन्फ्यूज़ करते हैं अलग अलग के साथ। तो मोस्टली फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो तो बहुत सारे ऐसे वाले पेशेंट को ट्रीट करते हैं, लेकिन फ्रेशर्स को नहीं ज़्यादा पता होता है। तो फ्रेशर के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी पेशेंट को सीज़र आते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो मिडाजोलम इंजेक्शन अगर वहाँ पे है तो आपको उसी को टिक करना है, क्योंकि पेशेंट को सीज़र आते हैं तो उस टाइम पे हम पेशेंट को मिडाजोलम इंजेक्शन ही देते हैं मोस्टली। अगर मिडाजोलम नहीं है तो सेकेंडली हम डाइजिपम इंजेक्शन देते हैं। तो अगर डाइजिपम का आपके पास ऑप्शन है तो आप उस पर टिक कर सकते हो, तो वो भी हम देते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी होती है वो मिडाजोलम को होती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है एक्सीलेटेड हाइपरटेंशन को लेके, जिस पेशेंट को एक्सीलेटेड हाइपरटेंशन हो, तो उसको आप कौन से इंजेक्शन के साथ ट्रीट करते हो। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है एक्सीलेटेड हाइपरटेंशन के साथ, तो उसको हम सबसे पहले हम देते हैं इंजेक्शन एंटीजी। एंटीजी इंजेक्शन जो है नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं जिसको हम, तो इसका हम इन्फ्यूज़न जो है पेशेंट को देते हैं इन्फ्यूज़न के साथ। इसका हम इन्फ्यूज़न बनाते हैं एक एम्प्यूल का,
तो उसके साथ हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो बहुत जल्दी इसके साथ पेशेंट का बीपी जो है नीचे आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है। तो अगर आपको एनटीजी की ऑप्शंस नहीं है तो सेकेंडली आप लेबिटालोल, अगर आपको ऑप्शन दी हुई है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हो, क्योंकि हम इसको लेबिटालोल जो इंजेक्शन होता है उसके साथ भी ट्रीट करते हैं। लेकिन इसका भी अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो एनटीजी ही होता है, जिसके साथ हम एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि तीन चार ब्लड प्रोडक्ट्स के नाम। तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड करे थे, क्वेश्चन लिखा होता है कि पांच आपको मतलब लिखने होते हैं टोटल ब्लड्स के नाम। तो कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होता तो उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले हम देते हैं रेड ब्लड सेल, जिसको हम PRBC बोलते हैं, पैक्ड रेड ब्लड सेल। दूसरे पे आप FFP बता सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तीसरे पे आप STP बता सकते हो, जिसको हम बोलते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट। फिर आप बता सकते हो RDP, जिसको हम बोलते हैं रैंडम डोनर प्लेटलेट। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन GCS के ऊपर है कि GCS क्या है। तो GCS जो है इसको हम बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। तो ये हम पेशेंट की कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए करते हैं। तो इसमें हम तीन चीज़ें देखते हैं, पेशेंट का आई रिस्पॉन्स, पेशेंट का वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। तो उसी के हिसाब से हम पेशेंट को नंबरिंग देते हैं। जैसे अगर आई आई के रिस्पॉन्स की बात करें तो उसके लिए हम 4 नंबर देते हैं हाईएस्ट, और अगर वर्बल की बात करें तो उसके लिए हम 5 नंबर्स देते हैं। अगर मोटर की बात करें सेंस को हम 6 नंबर्स देते हैं। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो टोटल होता है 15। तो अगर GCS के बारे में आपको आए कि हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर क्या होता है, तो इसके लिए आप सबको पता है कि हाईएस्ट तो 15 होता है, लेकिन लोएस्ट का जब पूछते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम 0 बोल देते हैं। तो 0 कभी भी नहीं होता है, क्योंकि लास्ट जो होता है वो 1 to 6 तक होता है, या 1 to 4 या 1 to 5 तक होता है। तो अगर तीनों का 1 1 1 लोएस्ट है तो मतलब फिर भी 3 हमारे पास बचता है, तो टोटल जो लोएस्ट स्कोर होता है वो 3 होता है। तो अगर आपको ऐसा पूछ ले कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जो एक्सपायर हो गया है, जिसकी डेथ हो गई है, तो डेथ वाले पेशेंट का अगर आपने कोई GCS पूछे तो वहाँ पे भी कई बार हम कंफ्यूज हो गए कि जब पेशेंट है ही नहीं, पेशेंट एक्सपायर ही हो गया, तो उसका मोटर रिस्पॉन्स भी ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, वर्बल भी कुछ नहीं होगा और आइस भी कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे भी हम कई बार जल्दी जल्दी में 0 लिख देते हैं, लेकिन 0 नहीं होता है, वहाँ पे भी 3 होता है। जो अगर आपका कोई भी पेशेंट एक्सपायर भी हुआ है तो उसका भी जो GCS है वो 3 ही होगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा था, नॉर्मल रेशियो ऑफ क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन जो है वो मोस्टली हॉस्पिटल वाले पूछते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज की अगर बात करें, जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट में इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.6 to 1.2। अगर फीमेल की बात करें तो उसमें होती है 0.5 to 1.1 तक इसकी जो है नॉर्मल रेशियो होती है। और इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल वैल्यू भी आप पढ़ लेना, वो भी बहुत बार पूछते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम की पूछते हैं, पोटेशियम की पूछते हैं, और बस ये 2 मेन है, क्लोराइड की तो नहीं पूछते, खैर। तो ये दोनों की भी आप जब भी जाओ तो इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल वैल्यू भी जरूर पढ़ लेना, HP प्लेटलेट और TLC की भी नॉर्मल वैल्यू पढ़ लेना, और ABG जो है उसकी भी नॉर्मल वैल्यू पढ़ लेना, क्योंकि नॉर्मल वैल्यूज़ के ऊपर भी काफ़ी बार एक से दो दो से तीन क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो इसलिए आपको पढ़ के जाना है, ताकि आप फुली प्रिपेयर्ड हो, आपको कुछ भी वो पूछे नॉर्मल वैल्यू तो आप तुरंत ही बता दो, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये मोस्टली उन स्टूडेंट से पूछा जाता है, चाहे अगर वो फ्रेशर है चाहे एक्सपीरियंस है, कि जब भी वो ICU के लिए जाते हैं तो मोस्टली वेंटिलेटर जो है वो सबका फेवरेट टॉपिक होता है। तो वेंटिलेटर के बारे में या इंटूबेशन के बारे में वो पूछ लेते हैं आपसे। तो अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चन आए या इंटरव्यू के टाइम पे वो आपको पूछे कि अगर आप ICU का एक्सपीरियंस है आपके पास, या अगर आप ICU में जाना चाहते हो, तो वहाँ पे अगर पेशेंट को इंटूबेट करना हो तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट जो है आप यूज़ करते हो पेशेंट को इंटूबेट करने से पहले, तो काफ़ी सारे इसमें इक्विपमेंट है जो हम यूज़ करते हैं। मैं जल्दी से आपको लाइन वाइज बता देता हूँ कौन कौन से इक्विपमेंट जो हम रेडी करते हैं या हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग इंटूबेशन या बिफोर इंटूबेशन, हमने क्या क्या रेडी करना होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ग्लव्स जो आपको रेडी करने हैं, ठीक है, प्री मेडिकेशन जो हम यूज़ करते हैं पेशेंट को सीडेट करने के लिए, वो हमने रेडी करनी है। फिर एम्बू बैग, बेन सर्किट, सक्शन, वैक्यूम सक्शन जो होता है वो रेडी करना है। हमने पेशेंट के पास टेलेट या बूझी जो होती है वो रखनी है। फिर लेंजोस्कोप आपको रेडी करना है, ET ट्यूब आपको रेडी करनी है जो भी पेशेंट को डालनी होती है, ठीक है, जेली हो गया, टॉर्च हो गया, फिर ऑक्सीजन, फिर वेंटिलेटर आपको रेडी करके रखना है। उसके बाद आपको HME फिल्टर जो हमने रेडी करना है वो भी आपके पेशेंट के पास में होना चाहिए, एयरवे
एयरवे जो है वो ग्यूडल एयरवे जिसको हम बोलते हैं, 3-4 नंबर जो भी पेशेंट के लिए सूटेबल होता है वो उसके पास में रखना है, ठीक है। उसके बाद जब पेशेंट को ईजी ट्यूब डल जाती है, तो डालने के बाद हमें एक सिरिंज जो कि पेशेंट के पास हमने रखनी होती है, ओपन वाली 10 ml वाली सिरिंज है, उसके साथ हमने प्रेशर उसको ट्यूब को इन्फ्लेट करना है, ठीक है। उसको मतलब ट्यूब को बाइंड करने के लिए ईटी जो टेप होती है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैथेटर माउंट उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर स्टेथोस्कोप पेशेंट के पास में रखना है, ताँ जो वेंटिलेटर के वेंटिलेशन के बाद एयर एंट्री चेक करने के लिए हमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। वेंटिलेटर की ट्यूबिंग और वेंटिलेटर सर्किट वगैरह सब आपको रेडी करके रखना होता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है कि कौन कौन से आइनोट्रॉप जो हम यूज़ करते हैं, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3-4 कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसमें से आपको एक आइनोट्रॉप का नाम दे देते हैं, तो आपको बताना होता है। तो काफ़ी सारे आइनोट्रॉप्स हम बहुत सारे आइनोट्रॉप्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली जो कॉमन यूज़ किए जाने वाले वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर बीपी के लिए बात करें तो नॉरेड हम यूज़ करते हैं बीपी को बढ़ाने के लिए, एनटीजी हम यूज़ करते हैं बीपी को कम करने के लिए, ठीक है। उसके साथ आप एडीआर को याद रख सकते हो, एडीआर का इन्फ्यूज़न बनाते हैं, एड्रेनालिन का, डोबोटामिन का बनाते हैं, डोपामिन का बनाते हैं, वैसोप्रेसिन का बनाते हैं। अगर नारकोटिक्स की बात करें तो फेंटानिल वगैरह का इन्फ्यूज़न बनाते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी हाई रिस्क मेडिकेशन है, जैसे केसीएल होता है उसका हम इन्फ्यूज़न बना के लगाते हैं, सोडा वाई का आपका इन्फ्यूज़न बनाते हैं, तो बहुत सारी मेडिसिन है जिसका हम इन्फ्यूज़न बना के लगाते हैं। लेकिन मोस्टली आपको याद रखने वाली जो है वो आप इतनी 8-10 याद कर लेना, एडीआर, नॉरेड, एनटीजी, डोबोटामिन, डोपामिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन हो गया, केसीएल हो गया और सोडा बाइकार्ब हो गया। तो ये कुछ इंजेक्शन अगर इतना आपको पता है तो एज ए फ्रेशर भी आपको आराम से वो ले लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एंटी कोगुलेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो उनके नाम आपको कई बार मेंशन करने के लिए बोलते हैं, तो वो भी आपको याद करने हैं, जैसे कि हेपरिन हो गया, वारफरिन हो गया, इनॉक्सोप्रिन हो गया, LMWH जिसको हम लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन बोलते हैं वो हो गया, जब फोंडा पेरिनॉक्स हो गया। तो ये कुछ एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो हम मोस्टली आईसीयू में यूज़ करते हैं, या पेशेंट को जो हम मोस्टली पेशेंट्स को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है शॉक। काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन कौन से शॉक होते हैं, जैसे कार्डियोजेनिक शॉक होता है, हाइपोवॉलीमिक शॉक होता है, ठीक है, एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक होता है, या न्यूरोजेनिक शॉक होता है। तो ये 4-5 शॉक के टाइप से यू आपको याद रखनी चाहिए, तो कभी भी आपसे कोई पूछे तो आप इसको बता सकते हो, ठीक है। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है कि कॉमन साइट ऑफ पल्स, कहाँ कहाँ पे हमें पल्स जो है फील होती है। तो इसमें हम हेड से टो की तरफ जाते हैं, तो आपके लिए इजी होगा याद करना। सबसे पहले हमारी आती है टेम्पोरल पल्स, फिर आती है हमारी फेशियल पल्स, उसके बाद आती है हमारी कैरोटिड पल्स, ठीक है, उसके बाद हमारी आती है ब्रेकियल पल्स, उसके बाद रेडियल, देन फेमोरल, देन पॉपलीटियल, उसके बाद आती है हमारी पोस्टीरियल टिबियल, और एंड पे हमारी आती है डॉर्सल स्पैडिस। तो ये कुछ कॉमन साइट्स ऑफ पल्स है जहाँ पे हम पल्स को फील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द राइट्स ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन देने के लिए जो मेन हम पहले 7 राइट्स थे, अब उसको बढ़ा के 10 तक कर दिया है। तो कौन कौन से राइट्स होते हैं वो भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। बहुत बार क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जाता है कि मेन राइट्स ऑफ द मेडिकेशन आप बताओ, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले राइट पेशेंट, राइट मेडिसिन, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट पेशेंट एजुकेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट टू रिफ्यूज़, राइट असेसमेंट एंड राइट एवेल्यूएशन। तो ये मेन 10 राइट्स होते हैं मेडिसिन के। तो आज के ये 14-15 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। तो आई होप कि आज के क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जाते जाते बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताँ जो आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं भी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। It's caught in the crossfire.